नमस्कार दोस्तों, मैंने पामिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज ये एक फिर से एक पाम एनालिसिस शुरू करेंगे। उससे पहले थोड़ा पास्ट प्रेडिक्शन देख लेते हैं जो मेरा होता है करीब करीब है सभी के लिए, जिनका भी कोई इंडिकेशन मिलती है पास्ट में जो मैं उनका एक बार पास्ट प्रेडिक्शन ज़रूर कर लेता हूँ। तो ये एक 36 साल की उम्र का नौजवान का पाम है और वो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो सारे सवाल मैं बाद में आऊँगा, पहले ये प्रेडिक्शन वगैरह देख लेते हैं। मैंने लिखा है एक राहु लाइन आपकी, राहु लाल आपकी लाइफ लाइन को काट रही है, क्या आप एक दो साल के में कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ? तो उन्होंने कहा है हाँ, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे फंसा पड़ा हुआ है, 2-3 साल से पैसे फंसे हुए हैं, कब तक मिलेगा? तो मैंने कहा कि वही मैंने पूछा, राहुल लाइन आपको फिनेंशियल तकलीफ दे गई? तो उन्होंने कहा है हाँ। तो एक्चुअली क्या होती है कि राहुल लाइन, मैं हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ आपको कि राहुल लाइन हर किसी के लिए एक ही जैसा इंसिडेंट या तकलीफ़ नहीं देती है। किसी को मैंने हम लोगों ने देखा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का रिलेटिव का कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी को इन्फेक्शन वगैरह डिजीज़ हो गया, किसी का हेल्थ में पेट ख़राब हो गया, मतलब एसिडिटी का प्रॉब्लम आ गया, तो ये सारे सब कुछ होते रहते हैं। एक ही राहुल लाइन का इतनी सारे एक्शन होती है कि मेरे लिए तो बता पाना मुश्किल होती है कि पर्टिकुलरली क्या इंसिडेंट हुआ है आपके आपसे, लेकिन होता ज़रूर कुछ ना कुछ है। तो राहुल लाइन का मतलब ही है ये कि ये कुछ ना कुछ तकलीफ तो आपको देगी, फिनेंशियली हो, साइकोलॉजिकली हो, रिलेटिव से कोई हो, कुछ ना कुछ तो तकलीफ देगी और उनको दे गई उनके करीब करीब अभी 36 इयर्स है। और ये जो राहुल लाइन मैं दिखा रहा हूँ, ये इस राहुल लाइन की मैं बात कर रही थी जो राहुल लाइफ लाइन को एकदम ज़ोर से काट गई, इतनी ज़ोर से काटा कि इनके बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं, 2-3 साल से मिल नहीं रहा है और ये हैरान हो गए हैं कब मिलेगा मुझे वो पैसा। तो ये एज करीब करीब होती है उनकी 33-34, ठीक वही एज अगर हम एज कैलकुलेशन करें, एक मिनट दीजिए, हाँ तो ये एज के कैलकुलेशन का, तो ये कटता है 42 में, उस हिसाब से देखिए यहाँ पे होती है 35-36 के करीब, और उसी के करीब ये इंसिडेंट इनके साथ हुआ। तो ये हम लोगों को मिल गया कि इनके लाइफ का जो कैलकुलेशन है, पास प्रेडिक्शन होता ही सही था, तो फ्यूचर में जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो ठीक रहेगा। और एक बात देख लीजिए कि यहाँ पे फेथ लाइन में जो है उनका एज उस टाइम में, यहाँ पे भी फेथ लाइन में ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं दिख रही है, इनका फेथ लाइन ऐसी ही है सीधा और थोड़ी बहुत हल्की, तो यही फेथ लाइन से इनको ज़्यादा एक ही ऐसे ही चल रहा है शुरू से, कभी कभी थोड़ी सी मोटी फोटी हो रही है लेकिन वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी। लेकिन जो इम्पैक्ट डाल गया ये राहु लाइन, इनके फेथ लाइन में कोई गड़बड़ी नहीं थी कि इनको पैसा फंसा रहे या इनको ऐसे कोई तकलीफ हो, लेकिन ये राहु लाइन इनको वो सारे तकलीफ दे गई। तो बाद में चलेंगे देखेंगे कि वो पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। और चलिए इनका थोड़ा एक बार ओवरऑल पाम एनालिसिस करते हैं, इनके पास इनके 2-3 सवाल हैं वो सारे ले लेंगे। तो पाम इनका स्क्वायरिश टाइप का है लेकिन थोड़ी रेक्टेंगुलर भी है, और ऊपर से नीचे का जगह ज़्यादा लिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं लिए है चौड़ाई में, लेकिन नीचे चौड़ाई ज़्यादा है। नीचे अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो ये लोग जनरली इंजीनियरिंग रिलेटेड काम काज करते हैं जो के डिज़ाइनिंग के जैसे होते, मतलब कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हो, कोई ऐसा इंजीनियर हो कि वो मतलब बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल वगैरह है ऐसे कंस्ट्रक्शन में हो, मतलब जो भी करेंगे इसमें थोड़ी आर्ट की इनकी, मतलब जो खूबसूरती होती है लग्जरी होती है उसमें ये थोड़ी उसकी छाप रहेगी इन लोगों के काम में। और ये मेहनत ही बहुत ज़्यादा होती है, ये फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि इनका जो नीचे का माउंट है, नीचे का दो माउंट है वो बहुत ही पावरफुल और चौड़ा होती है, ये जो स्पेस बहुत ज़्यादा होती है और स्क्वायर शेप के पाम होते हैं, तो ये सारे पाम लोग वाले बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल मेहनत भी कर सकते हैं। उसके ऊपर इसका थंब देखिए, ये थंब इतना लंबा तो नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मोटा है। अगर बहुत ही ज़्यादा मोटा हो तो आप एक रोखा टाइप के होती है, मतलब एक ही टाइप का अगर जो आप सोच लेंगे कि मुझे ये करना है तो मुझे वही करना है, बस वही दिखता है इनको, अलग से इनको अलग से कुछ नहीं दिखेगा। अगर ऐसा मोटा थंब हो आपकी, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मांस है इसमें, तो ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको अगर
कोई कुछ समझ में आ जाए कि मुझे ये करना है तो वो करके ही छोड़ेंगे। कोई भी हालात, कोई भी सिचुएशन इन्हें रोक नहीं पाएंगे और वो काम को उसमें अंजाम देंगे ही, उसका रिजल्ट चाहे जो भी हो। तो इसका पॉजिटिव साइड भी होती है, इसका नेगेटिव साइड भी होती है अगर ऐसी थम हो तो। चलिए और फिंगर वगैरह देख लेते हैं। इनका छोटा फिंगर जो लिटिल फिंगर है वो ठीक ठाक है, सन के यहाँ पे तक पहुँच रही है। और एक इंडिकेशन है इनके फिंगर्स के जो नुकसान होने का, वो है ये मोल। अगर सन के फिंगर में मोल हो जाए तो आपको फिनेंशियल नुकसान होगा ही, कभी ना कभी ज़िंदगी में होगा ही। और इसलिए इन्होंने, जब इन्होंने अपना बिजनेस डिटेल मेरे को दे रहा था तो मैंने उनको डायरेक्टली कह दिया कि शेयर बाज़ार में कभी भी नहीं। उन्होंने कहा भी कि मैं शेयर बाज़ार में नहीं कर रहा हूँ ये काम, ये दूसरे टाइप का बिज़नेस है, ये डेकोरेटिव का बिज़नेस है जो बहुत ही बढ़िया चलेगी इनका, क्योंकि वहाँ पे भी वो डिज़ाइनिंग का काम चाहिए होता है जो लग्जरीनेस लाती है, मतलब लग्जरी के काम में आती है। तो ये डेकोरेटर का जो इवेंट डेकोरेशन का ये काम करेंगे वो इनके लिए ठीक ठाक चलेगी, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन शेयर मार्केट में कभी भी आप पैसा मत फंसाइए, क्योंकि आपके सन की जो ये फिंगर है ये लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है जुपिटर की फिंगर के कंपैरिजन में, तो आपकी रिस्क लेने की टेंडेंसी होगी। तो अभी कभी भी ज़िंदगी में चांस आए कि आपको शेयर बाज़ार में पैसा डालने का चांस मिल रहा है, कोई बोल रहा है, दोस्त वगैरह बोल रहा है, या कोई ब्रोकर आपको उत्साहित कर रहा है कि मार्केट में पैसे डाल दीजिए ये बहुत ही फ़ायदा करेगा, आप बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि आपके यहाँ पर एक मोल है, तो वो नुकसान आपको हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आपकी सैटर्न की फिंगर ठीक ठाक है चौड़ाई में, जुपिटर के फिंगर भी नॉर्मल है। माउंट जाएंगे तो मरकरी की माउंट अच्छी है, यहाँ से थोड़ी कम जगह है लेकिन अच्छी है और अच्छी उभार लिए हुए है, दो तीन लाइन हमको दिख रही है। तो ये सारे दिखाते हैं कि आपके जो बिज़नेस करेंगे और बिज़नेस में जो लिक्विड मनी की ज़रूरत होती है दिनचर्या के बिज़नेस के काम में या घर गृहस्थी के काम में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो सारे आपके हाथ में आती रहेगी टाइम टू टाइम, तो आपको बिज़नेस चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिक्विड कैश की वजह से। आपकी सन की माउंट को देखते हैं, सन में एक ऐसे लाइन आके इस तरफ से गई और एक इस तरह से चली, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी जो है ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है जो बहुत ही बढ़िया है आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। आपका फिनेंस को लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके हाथ में बहुत ही अच्छी ये ट्रायंगल साइन बन रही है, तो इतना फिश के जैसा तो नहीं उतना ज़्यादा दे पाएगा लेकिन ये काफ़ी दे पाती है। ये साइन हो या स्टार फॉर्मेशन हो या फिर फिश हो, ये सारे आर्थिक समृद्धि समझाती है कि आपको आर्थिक जो स्टेबिलिटी है वो रहेगी आपकी ज़िंदगी में। और ऐसे कोई खास और कोई निशान नहीं है। सैटर्न का माउंट देखे तो सैटर्न का माउंट में एक ये लाइन है जुपिटर की तरफ आ रही, जुपिटर की तरफ से आ रही है जो एम्बिशन को समझाते हैं, माइंड लाइन से उठा है तो ये एम्बिशियस लाइन होगी। और ये थोड़ी टेढ़ी है, ऐसी टेढ़ी है इस यहाँ से, जनरली ऐसे लाइन देखा जाता है, यहाँ से ऐसी टेढ़ी होकर ऊपर जाती है, तो ये क्या करती है, ये आपकी लाइफ में स्ट्रगल देती है। पहले ऐसी टेढ़ी लाइन आपकी माइंड लाइन से अगर कहीं से भी उठे, यहाँ से भी उठे, तो ये आपकी लाइफ में एक स्ट्रगल देती है कुछ सालों के लिए, और उस स्ट्रगल के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलती है। ये लाइन एकदम श्योर एंड सक्सेस श्योर है सक्सेस पाने के लिए। अगर ऐसी लाइन आपकी माइंड लाइन से कहीं से भी उठ रही है ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी अगर उठ रही है ऐसे, तो ये श्योर शॉट इंडिकेशन है कि आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। स्ट्रगल के बाद ही आपको सक्सेस है, क्योंकि आपके लाइन उतना ज़्यादा टेढ़ा नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे जाके मुड़ रहा है, तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल होगी आपकी ज़िंदगी में और स्ट्रगल के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। आपका जुपिटर का माउंट ठीक ठाक है लेकिन यहाँ पे थोड़ी उभार लिए हुए हैं और यहाँ पे कम, यहाँ से थोड़ी दबी हुई है, तो आपकी रिलेशनशिप में छोटा मोटा प्रॉब्लम रहेगा। मेजर कोई इंडिकेशन नहीं है क्योंकि मुझे कोई लाइन यहाँ से नीचे आके माइंड लाइन से मिलती हुई नहीं दिख रही है, बस एक हल्का सा इम्प्रेशन है, उससे कुछ नहीं होता है। तो आपका छोटा मोटा तकलीफ रहेगी रिलेशनशिप में और आगे चल के ठीक भी हो जाएगी। आपकी जुपिटर माउंट में दो स्क्वायर दिख रही है, तो आप में टीचर की जो क्वालिटी होती है दूसरों को सिखाना, वो अच्छी क्वालिटी है आप में। आप अगर चाहे किसी को कुछ समझाने के लिए जाएंगे तो आप अच्छी तरह से उनको समझा पाएंगे, या कोई अगर किसी को कोई एजुकेशन के बारे में भी हेल्प कर सकते हैं तो कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आप में वो क्वालिटी है कि आप दूसरों को सिखा पाए। वो कोई भी नॉलेज हो सकती है, वो आपकी बिज़नेस के लिए हो सकती है,
लाइफ का कोई लेसन हो सकती है, कोई रियली मतलब जो एडुकेशन होती है बच्चों की स्कूल की कॉलेज की उसका भी हो सकती है, आप अच्छी तरह से वो दूसरों को सिखा पाएंगे। आपकी मार्क्स का अमाउंट ठीक ठाक है, मार्क्स में ऐसा कुछ नहीं है, बट उभर लिए हुए और बहुत सारी छोटी छोटी राहुल लाइन निकल रही है, लेकिन लाइफ लाइन को काट नहीं पाया, सिर्फ एक आपके एकदम यंग एज में कटा था, करीब करीब आपकी 20-22 की उम्र होगी तब, और ये काटा करीब करीब 33-34 को। तो ये दो मेन लाइन है जो आपको लाइफ में तकलीफ दे गई, और एक तो अभी ताज़ा है आपका, उसका पैसा भी अभी आपको नहीं मिला। आपके बहुत दो अच्छी एम्बिशन लाइन है जो लाइफ लाइन से निकल के सीधी जुपिटर की तरफ जा रही है, तो आपके एम्बिशन बहुत ज़्यादा होंगे और आप उसको पूरा करने के लिए जीत और मेहनत भी करेंगे, और आपको एम्बिशन लाइन अगर हो क्लियर जुपिटर की तरफ जाए तो आपके एम्बिशन में आपको सक्सेस भी मिलेगा। ये एम्बिशन एक एक की एक एक तरह की होती है, किसी को जॉब के लिए होती है, किसी को हायर पोस्ट के लिए होती है, किसी को स्पोर्ट्स में होती है, किसी को पैसे के लेके होती है, तो जिसका भी जो एम्बिशन है वही है। एम्बिशन लाइन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पैसे में ही इसका एम्बिशन ढूंढेंगे, नहीं, ये एम्बिशन किसी का कोई भी हो सकती है। तो जिसका भी जो एम्बिशन है, अगर एम्बिशन लाइन अच्छी है और बड़ी है, एक से ज़्यादा है, तो बहुत ही बढ़िया होती है और जुपिटर के माउंट तक जाना चाहिए। अगर जुपिटर के माउंट तक चला गया तो उनका एम्बिशन मैक्सिमम देखा जाता है कि सक्सेस होता है, तो इनका भी होगा। अभी आपका मेन जो लाइन्स है वो वगैरह देख लेते हैं। आपकी हार्ट लाइन यहाँ से शुरू हुई और सैटर्न पे आके ख़त्म हो गई। सैटर्न पे आके अगर आपकी हार्ट लाइन ख़त्म हो जाए तो पैसे कमाना ही आपकी ज़िंदगी का मेन मोटिव होती है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा ही है, पैसे कमाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी लाइफ की मेन मोटिव ही होगी पैसे कमाना, और उसके लिए आप जीत और मेहनत भी करेंगे और कामयाबी भी पाएंगे। क्यों कामयाबी पाएंगे वो सारे बाद में बताते हैं, वो सारे है आपके हाथ में। आपकी माइंड लाइन, आपकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से निकल रही है, ये अच्छी संकेत है कि आप दूसरों की बातों को मानते हैं। अगर कोई आपको दूसरा कोई सजेशन दे रहा है तो आपका उसमें आप उसमें सोच विचार करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो डिसीजन एक्सेप्ट ज़रूर करते हैं, और अगर उसमें आपका खुद का भी डिसीजन आके क्लैश हो जाए तो आपका खुद का डिसीजन आप चेंज करके वो दूसरों का जो अच्छा डिसीजन है वो आप ले लेते हैं। ये आपका नेचर है। आपका एक लिटिगेशन लाइन है जो यहाँ से उठ के माइंड लाइन पे आके मिला है, ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर ऐसी थोड़ी मुड़ी भी हुई हो तो ये दिखाता है कि आपको लाइफ में कभी भी कोर्ट केस या मतलब पुलिस केस इसका प्रॉब्लम होगी, और हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी चांस में आपको इसका चांस होता है कि ज़िंदगी में कभी हो सकता है कि ज़मीन जायदाद को लेके या पैसे को लेके या कुछ और चीज़ के लिए, जिसके भी है जैसे भी हो, आपको शायद एक आध बार कोर्ट वगैरह में जाना भी पड़ेगा, और आपका मामला जो है मुकदमा होती है उसमें भी आपको फंसना पड़ सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा सावधान रहिएगा। ऐसे आपके डिफेंसिव मार्क्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी और उससे आप उभर भी जाएंगे, और अगर कोई कोर्ट केस आपके बारे में अगेंस्ट में हो भी जाए तो उसमें जीत पाने का चांसेस आप में ज़्यादा ही दिख रही है, क्योंकि आपके डिफेंसिव मार्क्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे और ऐसा कुछ भी साइन नहीं है कि जहाँ पे आप मुझे ये दिखाई दे कि अगर ऐसा कोई केस हुआ या हो चुका है जिस पे आप हारे। तो ये रहा आपका माइंड लाइन का एनालिसिस। अभी आपका लाइफ लाइन में चलते हैं। लाइफ लाइन ठीक ठाक है, लेकिन वो दो राहु लाइन काटे, एक करीब करीब आपकी 21-22 को और एक करीब करीब आपकी 33-34 को। तो इससे बाद और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी दो असेंडिंग लाइन दिख रही है लाइफ लाइन से, एक करीब करीब 23-24 के नागत और एक करीब करीब आपकी 41-42। तो वो जो आप बोल रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस कब मिलेगा, तो ये लाइन वो है, 41-42 के करीब आपको ज़िंदगी में ग्रैंड सक्सेस मिलेगा, और वही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि आपकी जो फेथ लाइन चल रही है वो एक ही तरह से चल रही है, ना ही कोई डिस्टर्ब दिखा रही है, ना ही तो कोई ज़्यादा प्रमोशन वगैरह ऐसा कुछ दिखा रही है ज़्यादा। ये दिखा रही है कि आपका जो फेथ लाइन है, मनी का जो फ्लो है, कामकाज का जो फ्लो है, फिनांस का फ्लो है, वो एक ही तरह से चलेगी। और अगर और कोई लाइन इन्फ्लुएंस ना करे, मतलब इसके में बढ़ोतरी या इसको ना घटाए, तो आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। लेकिन यहाँ पे ये घटाया,
इसको, इसलिए फिनेंशियल लॉस हुआ। और 41-42 के करीब इसको ये बड़ा आएगा, एनर्जी देगा, लाइफलाइन से ऊपर उठती हुई एक बड़ा सा असेंडिंग लाइन। तो ये एज है आपका करीब करीब 41-42 को, जब आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़ी सक्सेस मिलेगी, और उस सबसे सक्सेस से ही आप अपना जो मुकाम है, वो जो आपने पूछा है कि आपको सक्सेस कब मिलेगा, तो वो आपकी एज है 41-42 को ही आपको वो सक्सेस मिल पाएगी जिसकी आप खोज में हैं। तो अभी चलिए देख लेते हैं आपका अभी पाम का कंडीशन। आपका पाम का कंडीशन बहुत ही बढ़िया है, पिंकिश कलर है, मार्कड़ी माउंट, सन माउंट, सैटर्न माउंट, सभी जुपिटर माउंट, मार्स, वेनस, मून, सारे के सारे ठीक ठाक हैं। वेनस माउंट में देखेंगे तो वेनस माउंट ज़्यादा पावरफुल है आपके सारे माउंट में से, जितने भी माउंट है तो वेनस माउंट उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और अगर ऐसे पाम को देखें तो एकदम हमें जो नज़र जाती है वो एक थंब पे और दूसरी है जुपिटर पे। तो थंब का जो हमने कंडीशन था आपको बताया कि आप जो सोचेंगे वही करेंगे, आप अगर कुछ करने की ठान लेंगे तो कोई किसी की नहीं सुनेंगे, वो आप कर ही देंगे, और चाहे अच्छी हो या बुरी उसमें नहीं जाएंगे, बस ये नेचर है आपकी। अभी चलते हैं आपका वेनस, वेनस माउंट देखने की आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप जो बिज़नेस करना चाहते हैं इवेंट डेकोरेटर का, वो वेनस से ही जुड़ा हुआ है। और आपका वेनस काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे नीचे से बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन निकल रही है जो दिखाता है कि काम में आपको सक्सेस मिलेगा, यहाँ से लंबी लंबी आड़ी लाइन निकल रही है जो दिखाता है कि आप लग्जरी लाइफ भी जियेंगे, लग्जरियस जो लाइफ है वो भी आप जी पाएंगे। तो लग्जरियस लाइफ जीने के लिए या काम और काम में सक्सेस देने के लिए आपके हाथ में क्या होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए और पैसा होना चाहिए। तो ये आपका वेनस माउंट अप्रूव कर रहा है कि आपको ज़िंदगी में सक्सेस और पैसा दोनों ही मिलेगा। आपका पाम का कलर एकदम गुलाबी है तो पैसे तो आने ही हैं इस पाम में। फेथ लाइन में भी आगे चल के यहाँ पे चल रही है आपकी उम्र अभी 36, तो फेथ लाइन चल रही है यहाँ पे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ये जो क्रॉस बन रहा है ये मिस्टिक क्रॉस का है, फिर से ये लाइन चल रही है थोड़ी सी ऊपर जगह 50 के बाद थोड़ी सी हल्की और टेढ़ी दिख रही है, तो वहाँ पे थोड़ी उठक पटक रहेगी, लेकिन उतना कुछ मेजर नहीं है कि आपको सोच में पड़ जाए, लेकिन वो भी उसके बाद भी ये फेथ लाइन ठीक ठाक से चल रही है। तो आपको आगे चल के भी ऐसे ही फिनेंशियल कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं होगी। अभी जो एक सवाल था आपका कि आपको जो पैसे फंसे हुए हैं वो आपको मिल पाएंगे कि नहीं, तो देखिए आपका पैसा फंसा इस एज में करीब करीब 33-34 को, उसी टाइम में आपका फेथ लाइन यहाँ पे था थोड़ी हल्की, उसके बाद ऐसा कुछ मुझे साइन नहीं दिख रहा है उसके बाद, ना ही तो लाइफ लाइन में और ना ही फेथ लाइन में, जहाँ पे अचानक कोई चेंजेस हुआ है। अगर अचानक कई चेंजेस नहीं हुआ है तो पैसे जो फंसे हुए हैं उसका पूरा मिल पाना तो करीब करीब मुमकिन नहीं है, तो आपको उतना ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलेगा। और अगर उसी को लेके आप कोर्ट के दरवाज़े पे जाएंगे, जिसका ये लिटिगेशन लाइन हमको यहाँ पे दिख रही है, तो थोड़ी बहुत आपको फ़ायदा हो सकती है, लेकिन नुकसान होने का चांसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि लिटिगेशन लाइन आपकी स्ट्रेट नहीं है, ये कार्व है। अगर ये लाइन ऐसे सीधे होकर ऐसे ख़त्म हो जाती तो अगर आप कोर्ट केस करते तो जीत पाना आपके लिए बहुत ही मुमकिन हो जाता, मतलब एकदम मैं 100% बोल देता कि आप जीत ही जाएंगे और वो जो सारे पैसे फंसे हुए हैं आपके वो आप अच्छे से निकाल पाते। लेकिन ये लाइन थोड़ी मुड़ी हुई है, एकदम बुरी तरह से ऐसे नहीं है, लेकिन ये थोड़ी हल्की सी मुड़ी हुई है, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपको फ़ायदा उतना ज़्यादा या सब जो आपको पूरा को पूरा जो पैसे फंसे हुए हैं उसमें से आप शायद कुछ मिले आपको, लेकिन पूरा आप रिकवर कर पाएंगे ऐसा नहीं लगता है आपके पाम से। तो ये रहा आपका जो जनरल पाम था, पाम का कंडीशन फिनेंस के वगैरह में हमने एनालिसिस की है, तो आपका ओवरऑल जो फिनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही बढ़िया रहेगी, क्योंकि आपके पाम का कलर और लाइन वगैरह यही दिखा रहा है कि ज़्यादा कुछ आगे तकलीफ़ नहीं है, जो तकलीफ़ थी वो बीत गई, और आगे चल के 41-42 में आपके बहुत ही बढ़िया चांसेस आएगी ज़िंदगी में, क्योंकि लाइफ लाइन से एक बहुत ही बढ़िया असेंडिंग लाइन हो रही है, और उसके बाद भी लाइन का जो फ्लो है वो ठीक ठाक है, लाइफ लाइन से भी ठीक है और फेथ लाइन से भी ठीक है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी आगे चल के फिनेंस के बारे में। आप जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो बिज़नेस ज़रूर कीजिएगा, अभी चाहे तो अभी शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो ग्रैंड सक्सेस ज़िंदगी में मिलने वाला है वो 41-42 से पहले नहीं मिलेगा।
और जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं वो बहुत ही बढ़िया होगी आपके लिए, क्योंकि आपके वेनस मून बहुत ही स्ट्रांग है, मून भी स्ट्रांग है। तो इवेंट डेकोरेटर का बिज़नेस जनरली हम देखते हैं वेनस मून से, चाहे ऐसा हो इंटीरियर डिजाइनर हो या ऐसा कुछ बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको वेनस मून को ज़्यादा पावरफुल होना पड़ता है जो आपका है। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आप वो बिज़नेस ज़रूर कीजिएगा और उस बिज़नेस में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो ये रहा आपका पम्प का एनालिसिस। ओ और एक बात मैं भूल गया, सॉरी, ये आपके यहाँ पे लाइफ लाइन से एक छोटी सी मरकरी लाइन निकल रही है, ये भी दर्शाता है कि बाद में चल के आपकी ज़िंदगी में बिज़नेस एनालिटिकल जो पावर है आप में उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये लाइन अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो ये छोटी पड़ चुकी है, इनको अभी ये बहुत दूर जाना है, लेकिन ये छोटी लाइन भी है तो भी ये कुछ ना कुछ तो फ़ायदा आपको बिज़नेस में ज़रूर देगा। मार्केट अमाउंट अगर पहुंच जाती तो बहुत ही बड़ी फ़ायदा देता आपको, इतनी दूर चली जाती तो मार्केट अमाउंट तक, तो आप बहुत ही बड़े और नामी बिजनेसमैन बनते, क्योंकि आपका जो वेनस पावर है, जो इतना सारा अच्छा वेनस माउंट है, उसके साथ अगर एक मार्केट की लाइन भी हो जाती इतनी बड़ी, जो उठ तो रही है लेकिन पहुँच नहीं पाया, बीच में ही रुक गया, तो अगर ये पहुँच पाती उस तक तो वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होता। लेकिन नहीं पहुँचा फिर भी ये तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको दे ही जाएगा और आपकी जो बिज़नेस है उसमें ये हेल्प तो ज़रूर करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। फिर भी आप पैसे वाले तो ज़िंदगी में ज़रूर बनेंगे 42 के बाद, जब ये लाइन आपकी एक्टिव होगी ये बहुत ही ज़्यादा आपको तरक्की दे जाएगी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में अभी तक जितनी भी तरक्की नहीं हुई, मतलब जितनी जैसी भी तरक्की नहीं हुई, इतनी बड़ा तरक्की देगी, क्योंकि आपकी पूरा लाइफ लाइन में यही सबसे पावरफुल एक असेंडिंग लाइन है। और ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला आपके पाम में, हम लोगों ने कवर कर लिया आपका पाम को। तो आपके लिए आज के लिए रखते हैं इस पाम का एनालिसिस, अगले बार और एक पाम लेके आएंगे। और आपको मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपका भी कोई पर्सनल क्वेरी है तो ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वहाँ मैं आपको सारे प्रोसेस वगैरह बता दूँगी वहाँ से। शुक्रिया आप लोगों का।